हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन, ठीक है, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो वापस आपसे कांटेक्ट करेंगे या क्या वो आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल वन द एम्प्रेस और पाइल टू द एम्परर। ठीक है, आपको जो भी लगे आपके लिए है इंट्यूटिवली अपनी इंट्यूशन के दौरान, आप वही पाइल चूज़ करना। ठीक है, अगर आप न्यू आए हैं तो हाई एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक ज़रूर कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर वन। जिन्होंने भी ये एम्प्रेस चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशंस। एंड आज एक लाइव करूँगी मैं रात के 8:30 बजे, लाइव रीडिंग, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो। एंड चलिए देख लेते हैं, रिजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओह माय गॉड, यू आर गाइस गाइस, आप लोग बहुत स्टक क्यों होते हैं, आप लोगों की लाइक एक के बाद एक ब्लॉकेजेस लगा रहता है। आई कैन सेंस, इवन दो यू पीपल्स आर वेरी मच इमोशनल, आई कैन फील इट, बहुत इंसेंसिटिव है। आपको शायद एक्सप्रेस करने में तकलीफ होती है, या फिर ये अनकन्फेस्ड लव है। ये मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी चुना है। एंड यू पीपल, सम पीपल आर लाइक दे आर फोकसिंग ऑन देम सेल्व ऑल्सो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी, शफल हो गया। क्या आपके पर्सन, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्या वो वापस आएंगे। पाइल नंबर वन, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज हेल्प मी। अभी नहीं लेंगे, ओके ले ही लेते हैं। आई होप यू पीपल्स आर लाइक अच्छे हैं, हेल्दी है, क्योंकि अभी तो भाई एक ऐसा टाइम है कि हेल्दी रहना तो बनता है। ओके, वाओ, फोर ऑफ वांड्स, या लॉट्स ऑफ पैशन, फायर एनर्जी, सेजिटेरियस स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पे। लियो, अच्छा साइन मैटर नहीं करते, जोडियक साइन मैटर्स नहीं करते, ठीक है, अगर मैसेजेस और एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो। ओके, सो साइन को भूल जाओ, इट डज नॉट मैटर। लेट्स सी और क्या आता है। ओ माय गॉड, सो गॉर्जियस, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। मुझे बहुत आराम लग रहा है इस पाइल की रीडिंग करने से, मुझे बहुत आराम, एक सुकून सा, एक मिठास सा आई कैन फील। ओ माई गॉड, मुझे लगा ही था ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन, जो भी एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके पर्सन पास्ट को लेके, आप दोनों के बीच जो कुछ मेमोरीज थी उसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है गाइज। एंड आपके पर्सन, हाँ वो वापस आएंगे, ये 100% श्योर आई एम, मैं गारंटी के साथ देती हूँ, लिख के ले लो, ठीक है, वो आएंगे। एंड बहुत शांत स्वभाव से इस बार आएंगे, बहुत क्लाम पीसफुल नेचर से आएंगे। उनका जो था वो शायद ईगो प्रॉब्लम, या फिर वो शॉर्ट टेम्पर के थे तो थोड़ा तकलीफ होता था आपको। एंड आपके जो पर्सन थे वो आते थे जाते थे, इन एंड आउट होते थे आपके लाइफ में, राइट। एंड बहुत क्लियर किस्म की एनर्जी, यहाँ आप मुँह मार ले, वहाँ मुँह मार ला, लाइक दैट। बट राइट नाउ योर पर्सन इज़ वांट टू लाइक सीरियस लॉयलिटी के साथ वो आना चाहते हैं। इवन दो गाइज, आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया, एंड राइट नाउ द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू ऑफ योर पेशेंस, आपने जो भी हार्ड वर्क किया, ठीक है। इवन दो क्लियर कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो। ओ माई गॉड, टू ऑफ कप्स, या म्यूचुअल फीलिंग्स है, या मैसेजेस, या ऑफ
पेज ऑफ कप्स, शायद आपको ये इसने फ्रेंड जोन करके रखा है, या फिर आपने जब ऑफर किया था, आपने जब कन्फेस किया था तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। एंड इवन दो आई कैन सेंस, ये लाइक कह नहीं पाते, भूल जाते हैं लाइक दैट, मतलब भूलने की एक बीमारी होती है ना, जैसे कि मुझे अभी कुछ याद है मैं बोलूँगी फिर मैं रुक जाती हूँ, इस तरह की एक एनर्जी है, मतलब बोल के अटक जाना, ठीक है। इवन दो शायद वो आपको फ्रेंडशिप भी ऑफर कर सकते हैं अगर आप लोगों के बीच चीज़ें थोड़ी मतलब गड़बड़ है तो। एंड आई कैन सी द यूनियन हैपनिंग हियर, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, पैशन है, मेमोरीज है, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, अब नई शुरुआत चाहते हैं। शायद इस पर्सन को लाइक कमिटमेंट फोबिया था, कमिटमेंट फोबिया जो मैं बोलूँगी तो यहाँ पे। एंड आपके जो जर्नी है बहुत अप्स एंड डाउन्स होके गए थे, और आपके पर्सन बहुत यंग एनर्जी, बहुत इमेच्योरिटी के साथ वो डील करते थे, आपको कुछ समझ नहीं आता कि ये पर्सन एक्चुअली चाहता क्या है, ठीक है। यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर ऑल्सो, इट इज़ लॉट ऑफ पैशन ओवर देयर, एंड दैट पर्सन वॉन्ट टू ऑफर यू, फीलिंग्स तो म्यूचुअल है आपके साथ, स्टेबिलिटी एक एवरग्रीन, एक फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग वाला हैप्पी हारमोनियस रिलेशनशिप ऑन म्यूचुअल फीलिंग्स है, वो चाहते हैं आपको ऑफर करना इस बार लॉयलिटी के साथ। ओके, आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर फ्रेंड्सों में बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर, मे बी बहुत शूटर्स हो सकते हैं उनके पीछे, बट वो आपकी तरफ है। ओके, एंड यू आर लाइक यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर डैम, क्योंकि आप दोनों के बीच अगर बातचीत नहीं हो रही है एंड यू पीपल्स आर फोकसिंग ऑन देमसेल्फ, दैट्स व्हाई आप मैग्नेटिक पुल कर रहे हैं इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी, ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। आपको वो इतना ज़्यादा प्यार और इतना सब कुछ देना चाहते हैं ताकि लाइक इट जस्ट ओवरफ्लो एंड ओवरफ्लो, ओके। बट ऑल्सो विथ द टू एसेस हियर, ठीक है, यहाँ पे दो एसेस है, आई कैन सेंस, क्योंकि कभी कभी मैं कार्ड के बेसिस पे नहीं बोलती, मुझे जो फील होता है मैं उसके बेसिस पे भी बोलती हूँ कि अब नई शुरुआत चाहते हो, विथ लॉट्स ऑफ एक्शन, इमोशन, पैशन, स्टेबिलिटी, आई कैन सेंस एवरीथिंग हियर विथ प्योरिटी, ठीक है। पहले शायद इमोशनल, क्योंकि दिस रीडिंग इज लाइक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं क्या आता है। या लियो स्पेशली फायर साइन ज़्यादा है, तो वो फिर भी साइन ज़्यादा मैटर नहीं करते। लेट्स सी, योर पर्सन कैन बी अ वेरी मच बिजनेसमैन और अपनी पोजीशन पे ज़्यादा रहते हैं, वेरी हाई अथॉरिटी के भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे खुश मिजाज। इस बार ये पर्सन हाफ बोलते हाफ नहीं बोलते, इसके दिल में चलता है कुछ और दिमाग में चलता है कुछ और। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है, या फिर मैच्योरिटी के आधार पे चिंता भावनाएं जो हम कहते हैं, पता नहीं मैं आज इतने शुद्ध हिंदी कैसे बोल रही हूँ, बट बोल रही हूँ। ओके, ये कार्ड्स बहुत स्लिपर है भाई। ओके, या इन्होंने शायद बहुत ही ज़्यादा बर्डन सा फील किया एंड लाइक उनको अब समझ नहीं आया, तो इस बार वो अब एक्शन लेंगे, बहुत हो चुका, बहुत सोच चुके, शायद इस पर्सन ने आपको अटका के भी रखा था। आप दोनों लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, या फिर किसी काम करने जगह, या फिर यू बोथ नो ईच अदर, ओके, यू बोथ नो ईच अदर एंड पास्ट लाइफ सोलमेट्स भी हो सकते हैं, या फिर या दिस इज सोलमेट्स एंड कनेक्शन, इट्स ब्यूटिफुल। पहले जो था बेस नहीं था, इसलिए टावर मूवमेंट का झगड़ा कुछ भी हुआ था, या अबंडेंस देना चाहता है, ये भी किंग है, ठीक है। इस बार देयर इज़ ए लोटस, देयर इज़ आल्सो ए लोटस प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी, वेल्थ, अबंडेंस, कंपैरिजन, या ये पास्ट की चीज़ों को, सी ड्रीम सो ब्यूटीफुल, ये पास्ट में आप दोनों के बीच जो कुछ भी और अभी जो है वो क्या फील करते थे आपको लेके, अभी भी क्या करते हैं उसको लेके भी वो कंपेयर करते हैं, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन था, या फिर आपको एज ए ऑप्शन वो कंपैरिजन करते से बहुत लोगों से, या फिर जो भी था, ठीक है। बट इसको अक्ल आया, दे कैन फील दैट आप जो है ना उनके लिए वही सब है। ओके, तो दिस इज़ द रीज़न।
ये ओल्ड एंड न्यू को कंपेयर करता था, मे बी उसके पास्ट में, उसको पास्ट को लेके, या फिर पहले जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ, तो अभी जो कुछ भी हुआ और फ्यूचर में ऐसा होता है ना. सो दैट पर्सन कंपेरिजन या कंपेयर करता था चीज़ों को, ताकि उसको क्लियरिटी मिले. उसको समझ नहीं आता, इसको कमिटमेंट फोबिया है, इसको सिंगल रहना है या नहीं रहना है, उसको समझ नहीं आता. बहुत इमेच्योरिटी एनर्जी था, बहुत ही ज़्यादा. एंड इवन दो बहुत यंग एडवेंचरस, एक फेज आता है ना लाइफ में कि अभी मैं किसी चीज़ में बांधना नहीं चाहता, कोई मुझे बांध के ना रखे, ये वो, अपनी तरफ से जीना, उड़ाना, इस तरह की बहुत, रशिंग वाली एनर्जी, इंटेंसिटी. या उनको वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, और बहुत जल्द वो शायद आपको एक्सप्रेस कर दे, अगर ये या इट इज़ अनकन्फेस्ड लव ऑल्सो. नहीं किया, कभी नहीं किया, एक्शन भी नहीं लिया. उनको सब अब जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन. यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं. लेट्स सी और कार्ड्स में क्या आता है, एनर्जी ओरेकल से क्या आता है. ओह माय गॉड, इट्स गॉर्जियस. यू बोथ आर सेम, बट थोड़ा सा आप दोनों के बीच डिफरेंस है. ठीक है, ये शायद बहुत प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकल, मुझे दो वाइब्स आ रही है, प्रैक्टिकल भी आ रही है, लॉजिकल भी आ रहे हैं. कंफ्यूज रहता है शायद ये पर्सन, या ऑफर देना चाहते हैं. आपकी पर्सन पाइसिस भी हो सकते हैं, बट इट मुझे मेरे लिए फिर से बोलूँगी, डिवाइन इज देयर. बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग चल रही है एंड चलने वाली है ऑल्सो इन ऑगस्ट. चलो देख लेते हैं. यू आप दोनों के अंदर जो भी ऑब्स्टिकल्स है आए हैं, देन यू विल ऑल बैट गो थ्रू ऑफ इट. ठीक है, इस सबको पार करके यू विल बी विक्टरी. द डिवाइन एंड द एंजल्स आर देयर, आई कैन सेंस इट. ठीक है, एंड प्योरिटी, विथ द प्योरिटी, विथ डिवाइन प्रेजेंस एंड गाइडेंस, यस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. लियो, जैसे मैंने बोला, लियो के चांसेस ज़्यादा है. इसको कहाँ रखूँ भाई, इस यहाँ पर रखती हूँ. ओके, यू पीपल आर इन इन योर पावर. इफ़ यू आर इन इम्प्रेस एनर्जी, देन यू आर इन अ पावर, इट्स गुड. शायद ये एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, या एक यूनिवर्स गाइड कर रही है, या इन एंड यान सोलमेट ट्विन फ्लेम, प्रैक्टिकल लॉजिकल पॉजिटिव बैलेंस, या बैलेंस यहाँ पर बैलेंस अब आ रहा है, हारमोनियस की तरफ ये जा रहा है. डिसीट या छुप छुपा के, आई थिंक दे आर ऑल्सो स्टॉकिंग यू, नज़र है, पर उन्होंने कभी भी आपको नहीं बोला, बट दिस पर्सन गॉट योर टारगेट. ओके, सिक्स चक्रा, या आप अपने सिक्स चक्र पे फोकस कर दीजिए गाइज, ताकि आपको क्लियरली विजन मिले कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या. एंड इस एंड इफ़ यू आर इन दिस जर्नी, देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू योर पार्टनर ऑल्सो. ठीक है, तो सिक्स ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की सिक्स चक्र जो है वो अभी क्लियरली दिखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, और एक खोलूँगी. रूट चक्र, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस में भी मैं कहती हूँ उसको, वेल्थ. ठीक है, रूट चक्र, या ये पर्सन अब ग्राउंडेड होने के है, अब भी उनको ग्राउंडेड होना है आपके साथ. विथ फोर ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स आई मीन आई कैंट एक्सप्रेस. बहुत खूबसूरत है. और यहाँ पे फिफ्थ चक्र, वोकल कम्युनिकेशन आने वाला है. ठीक है, और इससे देख लेते हैं, मैं मैसेजेस भी देखूँगी ओरेकल से क्या आता है, देख लेते हैं पहले. बहुत खूबसूरत रीडिंग है भाई. रोमांटिक फीलिंग्स, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, साइन आर क्वेश्चनिंग यू. आप थोड़ा अलर्ट जो है ना, शायद आप लोग को कोई साइन दिखे, या फिर कुछ लोग अकार्मिक लोगों से दूर रहना. रोमांटिक फीलिंग्स या फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, ये म्यूचुअल लव है. इट्स ए म्यूचुअल लव. आपने पहले ऑफर किया था, बट शायद इसने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर झूठ बोला, भाग गया. फ्लर्ट, फ्लर्टिंग, फिर से शुरुआत होगी. नहीं,
मुझे बहुत आराम लग रहा है ये रीडिंग करके। इस पैल में मुझे बहुत आराम से एक सुकून सा। बहुत कार्ड्स आ गए भाई, बहुत कुछ कहना है इसको। सी कितने सारे, चलो एक ही ले लेते हैं। मैं चूज कर लेती हूँ। मच्छर है, मच्छर ने डिस्टर्ब कर दिया। शायद ये आपके पास आके कुछ बोले, कान के सामने उनको कुछ शायद कुछ कहना है आपको, बहुत कुछ। या फिर गाना गा के भी सुनाए, शायद इनको गाना गाना भी पसंद हो कुछ लोगों के लिए। ओके एक आ गया। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यू यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं आपके सोलमेट आपकी एक्सपेक्टेशन, या थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, बट कीप एन ओपन माइंड, एवरीथिंग कैन हैपन। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, बस आप बस बिंदास रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। ओके चलिए देख लेते हैं मैसेजेस। पहले देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, तीन आए। ओ माय गॉड, ये पंख भी, मैं भी बोलूँ क्या ये एंजल विंग्स। ओके और एक, ओके दो ही आ गए, दो ले लेते हैं। फिर देखते हैं ये वाले जो कि एंजल्स की तरफ से, बहुत आ गए भाई। आपकी पर्सन की तरफ से देखूंगी एक सेकंड, है पहले ये वाले देख लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, ओके यहाँ पे भी पीपल का आया है कि साइंस आर कॉशनिंग यू फ्यूचर प्लान। ये यूनिवर्स की तरफ से शायद हेल्पफुल पीपल आए, या फिर किसी पीपल के थ्रू आए आपसे बात करने। पॉजिटिव, या पॉजिटिव रहना ये भी आया है। कीप एन ओपन माइंड। नेगेटिव, ओके पॉजिटिव नेगेटिव इन एंड यान। ओके अगर आप पॉजिटिव है देन देयर इज़ अ नेगेटिव ऑन देम देयर साइड। ओके डेस्टिनी, ओ माय गॉड यू बोथ आर इन डेस्टिनी। सी द कार्ड्स आल्सो, द कार्ड्स आर आल्सो सेइंग, द स्पिरिट कार्ड्स आल्सो सेइंग रिकवरी, या कुछ चीज़ों से रिकवरी होने की कोशिश। अगर इन्होंने बुरी तरह से आपको हर्ट किया, दिल टूटा, तो इस चीज़ को वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली रिकवर हो रही है, यूनिवर्स कर रही है, एंजल्स कर रही है, जस्ट आप लोग प्रे करते रहिए, देर इज़ समथिंग बेटर। तो अभी ये मत सोचिए कि क्या होने वाला है, क्या होगा, लेट इट बी, जो भी होगा धीरे धीरे होगा। धीरे मतलब लेट इट बी, गो इट फ्लो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके डोंट स्टॉप, रुकना नहीं, बस चलते जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। नो ओके मे बी, नो और मे बी। ओके यूनिवर्स भी ट्रिक्स कर रहे हैं। ओके ज़्यादा पैनिक ना हो। ये चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या आता है। बहुत कुछ है भाई, मेरे हाथ पे गिफ्ट भी आ गया, शायद गिफ्ट दे आपको। आई कांट लिव विदाउट यू। मच्छर बहुत है भाई, ये भी फरफरा रहा है, फिलहाल तो हवा नहीं है। सीइंग ड्रीम्स ऑफ यू, ओ माई गॉड या यू बोथ कैन प्रोजेक्टिंग ईच अदर, मिररिंग ऑल्सो। आई विल चूज यू, ओके विल यू एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी पूछ रहे हैं। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, आज जैसे मैंने बोला कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। आई थिंक मैंने नहीं बोला बट मुझे फील हुआ। या आई नीड टाइम, और कितना चाहिए भाई या बहन। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ओके आई नीड टाइम, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, आई कांट लिव विदाउट यू। आई विल चूज़ यू, विल यू एक्सेप्ट मी। ओके सब कुछ लिंकअप है। ओके गाइज अगर पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना, रिजनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो पायल नंबर टू, जिन्होंने भी द एम्परर चूज़ किया, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, क्या फिर से कांटेक्ट होगा, क्या फिर से सब कुछ होगा। ठीक है, क्या वो वापस आएंगे आपके पास, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या फिर कुछ भी है तो। चलिए देख लेते हैं, ठीक है पायल नंबर टू, मुझे ज़रूर बताना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो भाई, अगर एंड रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइव, या एंड फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशन। मैं आ जाऊँगी लाइव रीडिंग करने इंस्टा पे, तो यू कैन जॉइन मी देयर, और इनर वर्क के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पायल नंबर टू। धीरे धीरे सब स्मूथली चल रहा है क्या आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, ओह
ये क्या था भाई, क्या था ये? मैंने बस बोला धीरे धीरे, सब स्मूथली आई थिंक चल रहा, और भी तूफान आ गया। ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड। तो चलिए देख लेते हैं क्या तूफान है भाई। स्मूथली चल रहा था आई थिंक, मिडिल में थोड़ा टावो मोमेंट या कुछ ऐसा हुआ कि आप पूरा हिल गए। ओके लेट्स सी, गुस्सा बहुत आया था क्या? ओके लेट्स सी, क्या पाइल नंबर 2, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? क्या कांटेक्ट करेंगे? अभी नहीं लेंगे भाई। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट गाइड्स, आई होप गाइज यू आर ऑल राइट, आप लोग हेल्दी होंगे आई होप, क्योंकि अभी तो भाई सिचुएशन ऐसा है। ख्याल रखियो, दर्द में थे क्या आप लोग? बहुत चीजों से हील होने की कोशिश। ओह माय गॉड, ओह माय माय, ओह माय माय, ये कार्ड एवी ही आ गया। फिर से करेंगे ठीक है, लेट्स सी। क्लियरिटी नहीं है सिचुएशन में, इमोशंस है बट कुछ क्लियर नहीं है। जिद्दी, स्टबॉर्न, अपसेट, डिप्रेस्ड। ओके दो ही चाहिए तो दो ही आ गए। ओके यू आर मैनिफेस्टिंग, योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग। तो पहली बात, क्या वो वापस आएंगे? आने के चांसेस है गाइस, ठीक है चांसेस है, पर थोड़ा ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आपके पर्सन आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके स्पेशली, या फिर हो सकता है उनको लाइक फाइनेंस को लेके, ठीक है पेंटिकल्स, उसके फाइनेंस को लेके उसको थोड़ा इशू है, सेल्फ इश्यूज भी है, ब्लॉकेजेस आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि बाहर जो लोग उनके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच जो हो रहा है उसको क्लियर करें या फिर क्या करें। ठीक है ये पर्सन, आप लोग तो टोटली सेपरेशन में है, मून की एनर्जी भी है, कुछ हिडन चीज़ें हैं ऑल्सो। आपकी पर्सन शायद किसी के लिए आपको छोड़ के गए, या फिर अपने करियर को ज़्यादा वो उन्होंने लाइक दिया। क्लियरिटी नहीं है बट क्लियरिटी मिल जाएगा, डिवाइन इज देयर, डिवाइन गाइडेंस इज देयर। आप दोनों शायद ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है ये, मुझे जितना लग रहा है। यू बोथ आर लाइक लॉयल टू ईच अदर बट देयर इज़ अ इशूज़ ऑल्सो, इवन दो आई कैन सेंस कि आप दोनों एक दूसरे थोड़ा ऑपोजिट है, और बहुत बैक बाइटर्स है यहाँ पे, आउटसाइड लोगों की इंटरफेरेंस ज़्यादा है। आपकी पर्सन लाइक फील लेफ्ट इन द कोल्ड, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ठीक है तैयार हो रहे हैं, बट सोच रहे कि करे या ना करे। आपके पास जल्दी से आना चाहते हैं सब ऑब्स्टिकल्स को पार करके, इवन दो शायद लास्ट मोमेंट में बहुत बैडली कुछ हुआ था आप दोनों के बीच, इवन दो उनको लाइक लग रहा है कि उनको समझ नहीं आया कि कौन सी दिशा में जाए, उनको लाइक उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। जो गाइड गाइड होता है उनको समझ नहीं आता। तो आपके पर्सन को बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट उनको उनकी वजह से शायद यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था आप दोनों के बीच, ठीक है ये। बट या इफ सम पीपल्स आर ब्लॉक्ड हियर बट दे विल देयर विल अनब्लॉक वेरी सून, या फिर उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, आप अपने मस्त है, बट सिंगुलरिटी से उसको थोड़ा प्रॉब्लम है।
लाइक सिंगल रहना है नहीं रहना है उसको समझ नहीं आता। शायद कुछ लोग उनको बहकाते हैं कि सिंगल रहे क्या यार, वहाँ क्यों जाना, अब क्यों जाना, और देख ले, इस तरह की जो दोस्त होते हैं शायद है। यहाँ पे मुझे 99 दिख रहा है, एक साइकिल, एक कामिक पैटर्न जो है वो इजीली, क्योंकि आपके पर्सन जो जो दिमाग, मतलब यार मैं भी ओके शांत, या योर बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, और आपके जो पर्सन है ठीक है उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, वो दिखाते कुछ नहीं है, लाइक ऊपर से बहुत एम्पर की तरह सी, सर ऊंचा, क्राउन या बोल्ड, पावरफुल दिखने से लग रहा है ठीक है, बट उनके अंदर बहुत कुछ चलता है। हैप्पीनेस नहीं मिलती, हैप्पीनेस ढूंढना चाहता है, क्लियर की चाहता है, बट उनको समझ नहीं आता कि किसको ट्रस्ट करे, क्या करे, क्या मतलब ये पर्सन जो है वो खुद में ही वो प्रॉब्लम है, या सोशल पर्सन है, आपके पर्सन हो सकते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके पास ठीक है, स्टॉक करते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके पास आएंगे भी, और वो मूवमेंट कर रहे हैं अभी, इस बार शांत है, शांत होकर बैठे, ये कुछ आधा कहता है आधा नहीं कहता है, बट जो भी डिसीजन लेगा धीरे धीरे करके बस सोच के समझ के लेगा, ताकि उसको बाद में कोई रिग्रेट फील ना करना पड़े। आपके पर्सन ये है, बर्डन सा फील कर रहा है ठीक है, बात करना चाहता है, ऑफर देना चाहता है। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स भी आ गया। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके पर्सन पे, अगर सिंगल मदर है, यहाँ पे मदर इशूज़ लग रहा है, बट बहुत कम लोग के साथ शायद रेजोनेट करे ठीक है, एंड बहुत स्पिरिचुअल टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। शायद आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, उनको समझ कभी कभी समझ आ जाता है, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है, एंड थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनको लाइक पेन होता है, टायर्डनेस आती है, शायद रात को नींद भी नहीं आती इस पर्सन को बहुत, शायद अगर सिंगल है और सिंगल पेरेंट्स भी, अगर एक ही ये पर्सन सिर्फ कम इनकम करता है देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, बट उसको स्टेबिलिटी मिलेगी ठीक है, अगर आप दोनों के सेपरेशन चल रहा है ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन चल रहा है, लॉस, सेपरेशन, पेन ठीक है, तो इस चीज़ से जस्टिस मिलेगी, उतना स्टेबिलिटी, उतना हायर अथॉरिटी, क्योंकि बॉटम ऑफ द जस्टिस इस बार यूनिवर्स करेगी। ओ माय गॉड, चलो और देख लेते हैं, और मैं ये मुझे यहाँ पे पाइल्स ज़्यादा चाहिए, मतलब कार्ड ज़्यादा चाहिए, मैं भी पता नहीं क्या बोल रही हूँ, एक बोलते या बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इरिटेटिंग, टायर्ड, दर्द हो रहा है मुझे मेरी आंखों पे, या जैसे मैंने बोला शायद ये पर्सन रात को सो नहीं पाता, सोचता रहता है आपके पास आए ना आए, शायद आपका दिल उसने तोड़ दिया, या फिर उसके पर्स पास में उन्होंने किसी और को चुन लिया था, लग रहा है बहुत कम लोगों के लिए ये है ठीक है, उनको नाइटमेयर्स भी आते हैं, तबीयत ख़राब है, टेंशन में रहते हैं हमेशा, आप भी कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, या मुझे दो ही कार्ड्स चाहिए एंजल्स प्लीज़, बहुत लाइक उनको लाइक ना अभी के अभी छोड़ो भागो, इस तरह की, या दो कार्ड चाहिए, दो आ गए, या कार्मिक टावर, या फिर ये पर्सन जो है अपने कार्मिक के साथ अगर है देन अब छोड़ने के कंगाल पे आ चुके हैं, उनको रिग्रेट है, वो आपके पास आना चाहते हैं, स्टार कार्ड, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, अपनी विश की तरफ देखते हैं, डिफ़िकल्टीज है ठीक है, डेस्टिनी में डिफ़िकल्टीज आती है, इफ़ यू आर मीन टू बी देन देयर इज़ अ डिफ़िकल्टीज, बट आप दोनों के साथ स्टार का कार्ड डेस्टिनी और विश फुलफिलमेंट भी दिखाता है, एंड इवन ऑल्सो थोड़ा ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स दिखाते हैं ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आसानी से तो मिलती नहीं भाई, बट रिक्स लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्रे कर रहा है ओके, योर विशेज विल कम ट्रू, आपकी पर्सन आपसे बात करने के लिए बेकरार है ठीक है, पागल हुए जा रहे हैं, समझ नहीं आता कि क्या करे, करे या ना करे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था बहुत बुरी तरह से कुछ हुआ था, एंड इवन आई कैन सेंस दैट देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन आप दोनों के बीच, जो कुछ भी है ट्रांसफॉर्मेशन, एक टावो मोमेंट, आई थिंक पास्ट की चीज़ों को लेके भी ये बहुत बुरी तरह से सोच रहा है,
या आपके साथ अटैच ही उसको फील होता है, ठीक है, अटैच अटैचमेंट है, बहुत गहरी तरीके से सोच रहा है। और गाइस याद रखना, जॉडिक साइन मैटर नहीं करते कि मैसेजेस आपके लिए है तो, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे सारे साइंस दिख रहे हैं इसलिए मैं सारे ऑल जॉडिक साइंस में बोलूँगी। लेट्स सी, क्योंकि अगर मदर इशूज़ है, इज अ देयर इज़ अ फीमेल कैरेक्टर आई कैन सेंस ऑल्सो, इफ देयर इज़ अ मदर इशू देन दैट पर्सन इज़ कंट्रोलिंग योर पर्सन, ओके, हू एवर यू आर डीलिंग विथ कंट्रोलिंग नेचर, तो उनको समझ नहीं आ रहा था पहले पास्ट में कि आए आपकी तरफ, आए या ना आए, कैसे आए, क्या आए, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी स्पेशली, कोई फीमेल या मेल में नहीं बोलूँगा, बट फेमिनिन एनर्जी एनर्जीज भी हम बोलते हैं तो, या अटक जाता है आपके पर्सन, अटक अटक के लाइफ में धीरे धीरे करके आता है, जाता है, आता है, जाता है, इन एंड आउट, बट राइट नाउ ही वांट्स और शी वांट्स टू रश टू यू। अब पागलों जैसे भाग के आना चाहते हैं, दर्द है, हर्टेड, वो बहुत ओंडेड है स्पेशली अभी, ठीक है, उनको ज़रूरत है आपकी। लेट्स सी क्या आता है, जल्दी करो भाई। ओके द फूल फिर से आ गए, अवेयरनेस है, उनको समझ में आ रहा है चीज़ें, या फिर समझ चुका है, रिस्क लेना चाहते हैं, नई शुरुआत भी चाहते हैं, भले वो गड्ढे में गिर जाए इस बार, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसको समझ नहीं आया कि पास में ऐसा हुआ क्या, इतना ज़्यादा मस्त मौला था, ये गिरेगा या रहेगा उसको समझ नहीं आया, तो इसने अपनी गलती की वजह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती एंड इस बार उसको अक्ल आया। गुड, स्वरो या दुखी है, अवेयरनेस दुखी जैसे मैंने बोला, या ब्रेकिंग थ्रू, अब सब कुछ तोड़ के आना चाहता है, ब्रेकिंग थ्रू, ही इज़ ब्रेकिंग और शी इज़ ब्रेकिंग थ्रू विद इन हिमसेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन द वर्ल्ड। ओके तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है एनर्जी ओरेकल से। ओ माय गॉड, या द वर्ल्ड फिर से इन रिवर्स आया था, या अब नई शुरुआत करना चाहता है, न्यू वर्ल्ड चाहता है, नई तरीके से देखना चाहते हैं चीज़ों को, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, या पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, एडजस्ट करना चाहता है, डिसीट या छुपाया था पहले बट इस बार आना चाहता है छुप छुपा के। कम्युनिटी, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, या रियूनियन चाहता है, डोर टू स्पिरिट्स, या स्पिरिट्स विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, आप लोग बस अपने स्पिरिट गाइड्स को, या इसका अवेकनिंग भी हो सकता है, अवेकनिंग हो रहा है ये पर्सन, ठीक है, स्पिरिट्स एंड यूनिवर्स सब उसको हील करेगा, हेल्प कर रहा है, पुश कर रहा है कि तुम उधर जाओ। ओके तो लेट्स सी इससे क्या आता है ओरेकल से। रिलीजियस फैक्टर, या ये हमेशा रिलीजियस फैक्टर नहीं दिखाता बट ऑल्सो मैनिफेस्टेशन वगैरह करो, स्पिरिचुअल पाथ में रहो, ये भी दिखाता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, एक्सप्रेस योर लव, या एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा ये और करेगा भी, सेपरेशन वेरी सून, जो भी आपको चाहिए आप क्लियरली विजुअलाइज कीजिए और वो आएगा, और वेरी सून आपकी यूनियन होगी, वो वापस आएगा आपकी तरफ, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, या तो देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज दो आए। ओके, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज, ओ माय गॉड, एंजल्स विंग्स भी आए, वो भी रेड कलर का, पैशन लव, ओके, दो भी आए, ये भी दो आए, यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है, ये भी दो आए भाई, दो दो दो, हेल्पफुल पीपल, या किसी के थ्रू आए ऑल्सो, कम्युनिटी भी आया था, इट्स अप टू यू, ओके, डिसीजन इज ऑन योर हैंड, आपको वेट करना है या नहीं करना, उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, अनकंडीशनल लव प्लीज, मैरिज, या मैरिज, आप लोगों की शादी की बात हो सकता है, या फिर शादी की बात हुआ था बट टूट गया, ठीक है, या फिर ये मैरिड थे किसी कार्मिक के साथ, तो वो वहाँ पर छूट के आपके पास आने वाले हैं, फिर मदर इशूज़ हो सकते हैं, मतलब मदर इन लॉ की इशूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरी थिंग, ओके, सॉरी फील कर रही है, बहुत इमोशनल है, बुरी तरह से हर्ट है, आई ट्रस्ट यू, या ट्रस्ट इशू, जैसे मैंने बोला मूगी खाया अब आया कल, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड बाय बाय।